अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रीमी सॉस पास्ता की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस होती है। इसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं चिकन मैरिनेट करूँगी। ये मेरे पास चिकन ब्रेस्ट पीस हैं, उसको मैंने काट लिया है हाफ पीस में। उसकी मैरिनेशन के लिए हमें एक चम्मच सोया सॉस चाहिए और एक टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है, वाइट विनीगर, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, तो इसीलिए मैंने कम ही ऐड किया है। पेपरिका पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। ये मेरे पास ओरिगैनो है, इसको भी मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। 5 to 10 मिनट्स के लिए ही काफ़ी होगी इसमें मैरिनेशन। मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें बटर लिया है। स्लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाना है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। इसमें मैं चिकन रखूँगी, इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाना है। ये जले नहीं और कुक भी अच्छी तरह हो जाए, अंदर से भी अच्छी तरह गल जाए। ये अपने ही पानी में चिकन गलेगा। इसकी साइड चेंज करके इसको मैं कवर करके रख दूँगी। जब तक चिकन अच्छे से गल नहीं जाता, साथ ही मैंने दूसरे पैन में ऑयल लिया है। यहाँ हम पास्ते के लिए सॉस, वाइट सॉस तैयार करने लगे हैं। 2 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, उसको मैं मेल्ट कर लूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड किया है। इसको तकरीबन मैंने 20 to 30 सेकेंड्स कुक किया है। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर लिया है 1 ग्लास दूध का। चिकन क्यूब ऐड किया है, 1 चिकन क्यूब लिया है। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून है मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर। ओरिगैनो भी मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा इसका बॉईल आने लगेगा, साथ ही इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी। ये मेरे पास नेस्ले की क्रीम है, ये मैंने इसमें 1 पैकेट ऐड किया है। आपने इस टाइम पे बिल्कुल लो फ्लेम कर लेना है, कभी क्रीम ना कभी फट भी सकती है गर्म होने की वजह से, तो फ्लेम स्लो रखेंगे यहाँ पर। ये मेरे पास चीज़ है, चैटर चीज़ है, इसको मैं ऐड कर लूँगी और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। और ये मेरे पास चीज़ स्लाइस्ड में थी, वो भी मैंने ऐड की है। इसका टेस्ट भी बहुत यूनिक, बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखें, यहाँ पर सॉस थोड़ी थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो गई है। मुझे नमक कुछ कम लग रहा था तो फिर मैंने नमक ऐड किया है इसमें। अगर आप चिकन क्यूब डालते हैं, नमक उसमें भी होता है, कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने फ्लेम मीडियम पे कर दिया है, ये पानी ड्राई हो जाए। यहाँ हमारी सॉस तैयार है।
चिकन भी बिल्कुल रेडी है। ये पास्ता जो बॉईल किया था वो इसमें ऐड कर दूंगी, सॉस में अच्छे से ऐड कर दूंगी पास्ता। चिकन को अब मैं कट कर लूंगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप ये चीज़ी पास्ता ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसा बना। दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।